अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं आया हूँ फैसलाबाद तामले वाला, यहाँ पर आया हूँ। जैसे मैंने आप लोग को ये शॉट दिखाया कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अमीर लोग भी रहते हैं और उनके बीचों बीच ऐसे फैमिली रहते हैं जो पंजाब का इलाका है, गुरबत के सहारे ज़िंदगी गुजारा है। यहाँ पर ये आप लोग खुद देखें कि ना दरवाज़ा यहाँ पर लगाए हुए हैं, उनकी टूटी फूटी ये चारपाई की हाल भी देखें आप लोग, ये भी आप लोग देखें। यहाँ पर एक बहन और उसकी बेटी और उसके बच्चे जो दूसरों के घरों पे काम करते हैं। सलाम बहन जी, आप मुझे ये बताएं कि आप इस घर में ज़िंदगी गुजारते हैं? जी हाँ जी, कई हम उसी गरी में ज़िंदगी गुजारे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किराया भी देते हैं। हमारी बच्ची इस घर का भी आप किराया देते हैं? इस घर का भी किराया। कितना किराया देते हैं? 3000 रुपया किराया देते हैं। तो इसका तो ना दरवाज़ा है, ना पानी का कोई बंदोबस्त है, ना वॉशरूम का, ना कमरे का। बहन आप इसका भी 3000 किराया देते हैं? 3000 किराया देते हैं। हमारी बच्ची भी जवान है, हमारे 5 बच्चे हैं। हम नहीं गुजारा कर, किसी के घर में काम करके हम गुजारा करते हैं। बहन जी, आप जब किसी के घर पे काम करते हैं तो आपको तनख्वाह कितने देते हैं, मतलब कितना दिहाड़ी कितना देते हैं आपको? 1500 देते हैं, 1000 महीने का। हाँ जी, 2000 देते हैं बस, इससे ज्यादा इतना सा देते हैं। तो बहन जी, आप जब 2000-1500 ये महीने का घरों पे काम करती हैं एक महीना, वो जब आप लेती हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि घर का किराया देते हैं या खाना पीना? बस ये गुजारा मसीह करते हैं, ये गुजारा होता है। कहाँ देखे हैं आप लोग? मजबूरी है, फिर क्या करें, नहीं गुजारा होता, गुजारा नहीं होता। अच्छा बहन जी, आपको भी जब मैं देखता हूँ तो आप भी बीमार हो? हाँ जी। क्या आपको क्या बीमारी है? मुझे मैदे की मसला है, बहुत अरसे से बीमार हूँ। बहुत अरसे से? अच्छा, घर वाला शोहर? मेरा शोहर भी बीमार है। हाँ जी, नहीं काम करता है, मैं खुद ही करती हूँ, कभी चले जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ। बेटे कितने हैं आपके? 2 है, 3 है, ये एक छोटा है। ये कौन है? ये मेरी बेटी है। बेटी है, सबसे बड़ी। ये भी दूसरों के घरों पे काम करती है? हाँ जी। तो इसको कितना तनख्वाह देते हैं? वो भी इतनी देते हैं, 1500-2000। ये भी उनके, इनको भी देते हैं इतनी। बहन जी, मैं जब इस घर को देखता हूँ, इस आप लोग की चारपाई, आप लोग का हाल अहवाल, यहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत अमीर लोग रहते हैं, कोई खुदा तर्स लोग नहीं जो आपको ज़कात खैरात? ये बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? इस मोहल्ले में तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग, बहुत अमीर लोग हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि बहन ये ले ले, पैसे ले ले, सरसाया ले ले, ज़कात सदका, किसी ने भी नहीं पूछा। अच्छा बहन जी, जो हमारे भाई है, जो या सरमायेदार लोग हैं, उन लोगों से क्या दरख्वास्त करना चाहते कि आप और आपकी बेटी तो एक महीना काम करते 3000 लेते और वो भी घर का किराया, क्या अपने भाइयों से क्या अपील करना चाहते हैं? जो भी हो तो यही बोलेंगे। और ये माँ जी, एक बहन, ये दोनों 1500-1500 रुपए महीने में काम करते हैं, 3000 लेते, वो 3000 यहाँ पर क्वार्टर का किराया दें, खाना पीना करें, डॉक्टर का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, क्या क्या करें ये लोग। तो हमारी गुजारिश है आप लोगों से, हमारे यहाँ पर पंजाब में आना, हमारे यहाँ पर जो टीम है हमें बताएं कि यहाँ पर एक गरीब फैमिली है, उनके लिए इंटरव्यू करने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लोग
अगर हमारे साथ आना चाहते हैं, मैं फिर भी यहाँ पर आ सकता हूँ आप लोगों के साथ, यहाँ पर इनके लिए क्वार्टर या कोई इनके लिए कुछ डोनेशन, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ फिर भी आ सकता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।